पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सनी देओल नहीं चाहते थे कि गदर 2 और अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 का कलेश हो, इसके लिए उन्होंने अक्षय से बात भी की थी। हालांकि अक्षय नहीं माने। अक्षय ने कहा कि वो मेकर्स के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकते। सनी ने कहा कि वे काफी वक्त बाद कोई फिल्म लेकर आए थे, इसलिए चाहते थे कि उनकी फिल्म सिंगल रिलीज हो। हालांकि अक्षय कुमार और ओएमजी 2 के मेकर्स को यह मंजूर नहीं था। सनी ने ये बातें करण जौहर से उनके शो कॉफी विद करण में कही। कॉफी विद करण के नए सीजन के दूसरे एपिसोड में सनी देओल और बॉबी देओल बतौर गेस्ट पहुंचे। करण जौहर ने गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता पर सनी को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने गदर 2 के साथ ओएमजी 2 के कलेश की चर्चा की। इसके जवाब में सनी ने कहा, कई सालों से मैंने सफलता का स्वाद नहीं चखा था। काफी वक्त बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फिल्म के साथ कोई और भी फिल्म रिलीज हो। सनी ने आगे कहा, मैंने उनसे अक्षय से कहा कि प्लीज एक बार देख लो, अगर आपके हाथ में हो तो। उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। स्टूडियो का कहना है कि 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो सकती है। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन क्या करूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।